करने के लिए, डेजर्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। उसने सोचा कि कोई ना कोई सिविलाइजेशन होगा ही, कुछ ना कुछ अंदर मिल ही जाएगा, चलता चला जाता हूं। बहुत बहुत सारा और रिसोर्स लेकर नहीं निकला, लिमिटेड पानी, लिमिटेड खाना लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम हो गई, उसको कहीं कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। फाइनली उसकी हालत ऐसी हो गई प्यास के मारे कि उसको लगा मैं एक कदम नहीं चल सकता और मैं मर जाऊंगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और थोड़ा थोड़ा चलता रहा। बहुत दूर उसको एक हट दिखाई दिया, एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा हो ना हो वहां कोई ना कोई होगा और मैं वहां पर जाकर के प्यास बुझा पाऊंगा। हिम्मत जुटाता हुआ फिर से उसने एनर्जी लाई अपने अंदर और उस झोपड़ी तक पहुंच गया। जब उसने अंदर झांक कर देखा वहां कोई नहीं था, खाली थी वो झोपड़ी। बहुत निराश हुआ, मगर उसको एक प्रकाश की किरण वहां दिखाई दी। उसने देखा अंदर एक हैंडपंप है। उसने सारा सामान अपना फेंका और लग गया हैंडपंप को पूरी मेहनत से चलाने में कि इसमें से अब पानी निकलेगा। बहुत देर तक वो हैंडपंप चलाता रहा चलाता रहा, एक बूंद पानी नहीं आया उसमें से। अब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बनी बची थी कि उठ के वो खड़ा हो सके। वो बिल्कुल थक गया था, उसने मान लिया था मैं बचूंगा नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। हैंडपंप से टेक लगा के बैठा हुआ था, तभी उसने कोने में देखा एक शीशे के बोतल में पानी बंद है, रखा हुआ है और ढक्कन बंद है उसके ऊपर। उसने उस बोतल को उठाया और सोचा कि पी करके अपनी प्यास बुझा लेता हूं। मगर उसके पीने के पहले उसके अंदर एक कागज की स्लिप लगी हुई थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने सोचा पहले पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है, कहीं ये पानी खराब तो नहीं, या ऐसा तो नहीं कि ये मुझे जिंदगी ले ले। तो उसमें लिखा हुआ था इस पानी को उस हैंडपंप में डालें और हैंडपंप को चलाएं, उसमें से पानी निकलेगा, और जब पानी आ जाए तो दोबारा से इस बोतल को भर करके उसी कोने में आप जाने के पहले भर कर रख कर जाएं। बड़े द्वंद की स्थिति थी, मरूं या जीऊं, दो ही ऑप्शन थे। पीऊंगा पानी बच जाऊंगा, नहीं पीऊंगा पानी मर जाऊंगा। पानी डाल दिया हैंडपंप में, नहीं आया पानी, तो कम से कम यहां जान तो बचेगी, ये पानी पी लिया तो। बड़ी देर तक वो सोचता रहा करूं तो करूं क्या, मगर उसने डिसाइड किया जो पर्ची में लिखा हुआ है उसको मानता हूं, नहीं बचेगी जान तो नहीं बचेगी, इंस्ट्रक्शंस मानने चाहिए। उसने पानी की बोतल उस हैंडपंप में उड़ेली। जैसे उसने हैंडपंप में पानी डाला, उसमें से एक पानी का साउंड आना शुरू हो गया जमीन के अंदर से। उसने हैंडपंप चलाया, बहुत सारा पानी निकला। उसने अपने प्यास बुझाई, फ्रेश हुआ, रिलैक्स हुआ, और उसके बाद उसने पास जो जार था जिसमें वो ट्रैवल कर लिए पानी जमा कर रखा था, उसने आगे के ट्रैवल के लिए उसमें पूरा पानी भरा, और जैसा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था उसने उस जार को भी भर के उसी कोने में रख दिया और उसने अपने आगे की यात्रा शुरू कर दी। एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें हमारे जीवन में दो तरह के सिचुएशंस होते हैं, हमें करना क्या होता है उन सिचुएशंस में। हम सब की जिंदगी में ये ऐसा मोड़ एक बार जरूर आता है जहां एक तरफ जिंदगी होती है, एक तरफ मौत होती है। तीन अगर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो सिचुएशन समझ लीजिए आपके लिए नहीं आया है। बस दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास, करूंगा तो अपनी वही मिडिल क्लास जिंदगी जीता रहूंगा, और ये करूंगा तो चेंज आएगा ही आएगा और मैं अमीर बन के रहूंगा, सब कुछ बदलेगा, सिचुएशंस बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी और मैं यहां से वहां जंप मार जाऊंगा। मगर लोग करते क्या हैं, जो कमाते हैं वो खा जाते हैं। सेविंग करने वाले थोड़ा बहुत सेविंग करते हैं और सेविंग पर भी नजर रखते हैं कि उसको भी मौका आएगा तो उसको यूज कर लूंगा। मैं करना क्या चाहिए, अगर इस तरह के सिचुएशन यदि आपके जिंदगी में आया है और आपको लग रहा है कि ये लाइफ और डेथ का सिचुएशन है, और उसके साथ आपको थर्ड वे भी दिखाई दे रहा है, तब वो सिचुएशन रियल में आया नहीं है, बस सिर्फ दो रास्ते दिख रहे हैं, सलाह लीजिए किसी से, ऐसे लग से सलाह लीजिए जो सही आपको गाइड करें। रिलेटिव, आपके फ्रेंड हो सकता है सही सलाह ना दें, और हो सकता है दे भी दें, वो भी आपके प्रॉपर मेंटर हो सकते हैं। वैसे लोगों से पूछे मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। आपको विश्वास के साथ अगर आपको सामने मौत भी दिखाई दे रही है तो आपको जंप मार देना चाहिए, आपको इस विश्वास से मार देना चाहिए अगर मैं पार हो गया तो
तो चीज बदल जाएगी। सब कुछ मैं लगा दूंगा तो चीजें बदलेंगी, विश्वास से बदलेंगी। अगर यकीन मान के आप करेंगे कि यदि मैंने अपना सारा एफर्ट इसमें डाल दिया, सारी सेविंग डाल दी, मैंने सारा एफर्ट डाल दिया, मैंने अगर जंप मार दिया है और जंप मारने के बाद बहुत दूर है जहां मुझे क्रॉस करके जाना है और आपको लग रहा है कि मैं पार नहीं हो पाऊंगा, विश्वास रखिए, हिम्मत लाइए अंदर और मार दीजिए जंप, सफलता मिल जाएगी। सफलता और असफलता के बीच कहते हैं बहुत छोटी सी एक धागे की ताकत होती है, बस उस धागे को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। अमीर होना मुश्किल नहीं है, मगर बस आपको एक राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेने की जरूरत है। उस आदमी ने यदि उस टाइम पर उस बोतल का पानी पी लिया होता, उसने अपनी जिंदगी तो बचा ली होती कुछ पल के लिए, मगर वो आगे पता नहीं उसको कहाँ पानी मिलता, उसको भी नहीं पता था। और मान लीजिए कोई पीछे से उसके आ रहा होता और वो वहाँ पे फंसता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब उसके पास अगला ऑप्शन अवेलेबल है, वो अपनी जान बचा सकता है। वही है, पीछे वाले लोग आपकी फैमिली हैं। आपका एक लिया गया गलत डिसीजन और आपका लिया गया एक राइट डिसीजन आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और आपकी जिंदगी को इधर से उधर कर देगा। सोच विचार कर हर डिसीजन लिया कीजिए। अमीर होना है तो राइट डिसीजन राइट टाइम पर राइट प्लेस पर लेना बहुत जरूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये सेशन। हैव अ ग्रेट डे।